गैस आज के इस वीडियो में हम लोग इनर HTML, आउटर HTML और कुछ और एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। हम लोग देखेंगे console.dir का क्या यूज़ है और क्यों आप लोग इसको इस्तेमाल करना चाहेंगे। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से देखते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 को, जिसमें हम लोग देखेंगे इवेंट्स के बारे में कि इवेंट्स क्या होते हैं और कुछ और डॉम प्रॉपर्टीज़ हैं उनको मैं पहले बताने वाला हूँ आप लोगों को और समझाऊंगा आप लोगों को वो डॉम प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं और क्यों आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। और इसके लिए मैंने बना रखी है एक रैपल और इसके अंदर सिंपली मैं क्या करूँगा, बॉडी के अंदर एक स्पैन टैग डालूँगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिखूँगा हे आई एम स्पैन और मैं इसको एक नई टैब में खोलूँगा और रैपलेट में मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ अगर आप लोग क्लिक करते हो तो आप फॉर्मेट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से और भी सारे ऑप्शंस को आप लोग एक्सप्लोर करो, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं इसकी टाइटल डालना चाहता हूँ तो यहाँ से डाल सकता हूँ, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ लेट अस से इनर HTML, ठीक है। तो मैं सेव करूँगा, इसको रिलोड करूँगा तो यहाँ पर इनर HTML लिख कर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर करने क्या वाला हूँ, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ console.dir और console.log में डिफरेंस सबसे पहले, और console.dir को क्यों हम लोग यूज़ करना चाहेंगे। अब अगर मैं यहाँ पर कंसोल को खोलूँ और कंसोल में लिखूँ कुछ इस तरह से console.log और मैं लिखूँ document.getElementsByTagName और मैं मान लो लेकर आऊँ स्पैन को, फर्स्ट स्पैन को, तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से ज़ीरो लिख दूँगा और जैसे ही मैं फर्स्ट स्पैन को लूँगा यहाँ पर और इसको console.log करूँगा, एंटर मारूँगा मैं, तो आप लोग देखो यहाँ पर क्या हुआ, हे आई एम स्पैन लिख कर आ गया, ठीक है। लेकिन यही चीज़ अगर मैं console.dir से करूँगा तो क्या होगा, तो इसको एज एन ऑब्जेक्ट मुझे प्रिंट करके दिखाया जाएगा और इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ मैं कुछ इस तरह से देख सकता हूँ कि इसमें क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, क्या है, फंक्शंस हैं, एक मतलब जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की तरह प्रिंट होकर आ जाएगी। तो ये बात आप लोग को मालूम होनी चाहिए, ठीक है। कमिंग बैक टू नोट्स, console.log शोज द एलिमेंट डॉम ट्री, console.dir शोज द एलिमेंट एज एन ऑब्जेक्ट विद इट्स प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो उसकी प्रॉपर्टीज़ के साथ अगर आप लोग को देखना है तो console.dir का इस्तेमाल करेंगे और मैंने अभी आप लोग को डेमो दिखा दिया क्या डिफरेंस है, ठीक है। टैग नेम और नोड नेम की बात करते हैं। देखो क्या होता है कि अगर कोई भी नोड है हमारे पास, अब नोड एक एलिमेंट भी हो सकता है, ठीक है। यूज टू रीड टैग नेम ऑफ एन एलिमेंट, टैग नेम ओनली एग्जिस्ट फॉर एलिमेंट नोड्स, ठीक है। और नोड नेम डिफाइंड फॉर एनी टाइप ऑफ नोड्स, जैसे कि अगर आप लोग टेक्स्ट नोड्स की बात करें, कमेंट नोड्स की बात करें, तो उसमें भी आप लोगों को जो नोड नेम है वो डिफाइंड होता है। अब मैं आपको इसका एक डेमो दिखाता हूँ, ठीक है। मैं अगर यहाँ पर लिखूँ डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, ठीक है, मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी और डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी लिखने के बाद मान लो मैंने मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट या फिर सॉरी फर्स्ट चाइल्ड डॉट नोड नेम, तो ये यहाँ पर मुझे कुछ इस तरह से टेक्स्ट दिखाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट चाइल्ड ना करके फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड करूँ और इसका नोड नेम मांगूँ तो वो मुझे स्पैन दिखाएगा, ठीक है। तो ये दोनों लाइंस क्या करती हैं बेसिकली, अगर मैं इनको console.log करवाऊँ यहाँ से, ठीक है, कुछ इस तरह से अगर मैं इनको console.log करवाऊँ तो क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड डॉट नोड नेम, अगर मैं कुछ ऐसे करूँ तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर टेक्स्ट और स्पैन यहाँ पर मुझे देखने को मिलेगा। सिमिलरली ये जो कोड अभी मैंने यहाँ पर लिखा था उसको भी मैं लिखना चाहता हूँ, ठीक है। अगर आप कुछ इस तरह से करें, मैं इसी को रिप्लिकेट क्यों ना कर दूँ, अरे यार मेरी जेड की दबी रह गई, पुराना हो गया कीबोर्ड मेरा यार, क्या चल रहा है ये, कंट्रोल जेड, उप्स यार सच्ची में क्या चल रहा है यार मेरे कीबोर्ड की जेड की, अरे कोई नगर पालिका को बुलाओ यार, सच्ची में क्या चल रहा है ये, नगर पालिका को बुलाओ। मैं यहाँ पर कंट्रोल सॉरी ऑल्ट शिफ्ट और बॉटम की दबाऊंगा, इस बार console.dir लिखूंगा और मेरा काम हो जाना चाहिए। और अब मैं इसको रिलोड करूंगा अगर तो कह रहा है अच्छा ओके, तो मुझे यहाँ पर वाई करना पड़ेगा क्योंकि एक्स ऑलरेडी मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। कंट्रोल एस करूंगा और आई होप नगर पालिका को बुलाने की ज़रूरत ना पड़े। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ और नहीं पड़ी, ठीक है। टैग नेम और नोड नेम आई होप आप लोग को समझ में आ गया। अब इनर HTML और आउटर HTML को समझेंगे क्या होता है, ठीक है। मैं काम करूँगा चीज़ों को बहुत सिंपल बनाने के लिए, अपनी इंडेक्स डॉट HTML के अंदर ID डाल दूंगा, ID इज इक्वल टू और मैं लिख दूंगा यहाँ पर फर्स्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर लिखूँ फर्स्ट डॉट इनर HTML और उसके लिए मुझे रिलोड करना पड़ेगा इसको क्योंकि ये भी मैंने
डाला है इसमें आईडी फर्स्ट, तो आप देख सकते हो हे आई एम स्पैन यहाँ पर प्रिंट होकर आ गया जो कि इसकी इनर एचटीएमएल है। अगर यहाँ पर बी टैग होता यानी कि बोल्ड टैग होता कुछ इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पर हाई लिखा होता इस तरह से, और अब मैं यहाँ पर इसकी इनर एचटीएमएल मांगूँ तो ये मुझे बोल्ड टैग्स भी दे देगा, ठीक है। आई होप इनर एचटीएमएल आपको समझ में आ गया। इनर एचटीएमएल को हम लोग सेट भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर मान लो यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ एक इटैलिक टैग, हे आई एम इटैलिक, और आई टैग को बंद कर दो, डबल कोट को बंद कर दो, और यहाँ पर देखो आप लोग इटैलिक टैग के साथ ये एचटीएमएल यहाँ पर आ गई है और एज़ एचटीएमएल ये इंसर्ट हुई है, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये टैग्स काम कर रहे हैं, ठीक है, एज़ एचटीएमएल इस बॉक्स के अंदर इंसर्ट हो गई। तो डॉट इनर एचटीएमएल को आप गेट भी कर सकते हो, सेट भी कर सकते हो। आई होप ये बहुत क्लियर है। The inner HTML property allows to get the HTML inside the element as a string, ठीक है। ये बात याद रखना कि ये एलिमेंट नोड्स के लिए ही वैलिड होती है ये चीज़, ठीक है। ये मत कहना मेरे से कि भाई टेक्स्ट नोड के लिए काम नहीं कर रही, कमेंट नोड के लिए काम नहीं कर रही, भाई मेरे पास बताना ये कहने के लिए, ठीक है, वैलिड फॉर एलिमेंट नोड्स ओनली, ठीक है। तो आपको जो है HTML गेट या सेट करने में मदद करती है। बात कर लेते हैं आउटर HTML की। आउटर HTML के अंदर पूरी HTML बाहर की होती है, यानी कि वो एलिमेंट भी आ जाएगा और उसी के साथ साथ इनर HTML भी आ जाएगी। तो मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाता हूँ कि अगर मैं इनर HTML की जगह आउटर HTML करूँ, सबसे पहले गेट करके आप लोग को दिखाऊँगा, और यहाँ पर आउटर HTML अगर मैं देखूँ तो वो एलिमेंट भी आ गया। आप देख सकते हो वो एलिमेंट भी आया और उसी के साथ साथ इसके अंदर का भी कंटेंट आ गया, और मैं इसको सेट भी कर सकता हूँ। मैं ये भी कह सकता हूँ डिव हे, ठीक है, और अब मैं यहाँ पर इसको ऐसे चेंज कर सकता हूँ, तो आउटर HTML को भी सेट कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो स्पैन आई डी इज इक्वल टू फर्स्ट ही गायब हो गया होगा, अभी मैं आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके दिखाऊँ अगर, तो देखो आई डी इज इक्वल टू फर्स्ट ही गायब हो गया, ठीक है। तो ये काम आप लोग कर सकते हो। अब मैं एक चीज़ करता हूँ यार, यहाँ पर जल्दी से ना ये जो लाइन्स हैं इनको कॉपी करके यहाँ पर डाल देता हूँ, कमेंट लगा के डालूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो जाए। और ये सारा कोड ना मैं कमेंट लगा के नहीं डाल रहा हूँ यार, ठीक है। उसका रीज़न पता है क्या है? उसका रीज़न ये है कि आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो जाएँ, क्योंकि आप लोग रैपल पे आएंगे फिर आपको लगेगा यार ये पता नहीं क्या चल रहा है, ठीक है। मैं नहीं चाहता ऐसा हो, ठीक है। कंट्रोल स्लैश करके मैंने पूरी की पूरी स्क्रिप्ट को कमेंट आउट कर दिया, ठीक है। तो आपको अभी इनर HTML मालूम है क्या होता है, आपको मालूम है आउटर HTML क्या होता है। इनर HTML इज़ वैलिड ओनली फॉर एलिमेंट नोड्स, सिर्फ एलिमेंट नोड्स के लिए वैलिड होती है, ये बात आपको याद रखना है। फॉर अदर नोड टाइप्स वी कैन यूज़ नोड वैल्यू और डेटा, ठीक है। आप लोग डॉट डेटा कर सकते हो, डॉट नोड वैल्यू कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट, मैं इसको रिलोड कर लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट फर्स्ट चाइल्ड जो कि एक टेक्स्ट नोड है, अगर मैं इसका डॉट डेटा करूं तो इसके अंदर का जो कंटेंट है वो मुझे मिल जाएगा। या फिर अगर मैं डॉट डेटा की जगह नोड वैल्यू कर दूं तो आप देखो उसके बाद भी मुझे कंटेंट मिल जाएगा। तो मैं ये काम कर सकता हूं कमेंट्स के साथ, यही काम मैं कर सकता हूं टेक्स्ट नोड्स के साथ, ठीक है। आई होप कि सबको क्लियर हो गई ये बात, बहुत ही सिंपल सी है, ठीक है। टेक्स्ट कंटेंट की बात करते हैं, ठीक है। प्रोवाइड्स एक्सेस टू द टेक्स्ट इनसाइड द एलिमेंट ओनली टेक्स्ट माइनस ऑल द टैग्स। अब मैं बताता हूँ कि इसका क्या कमाल है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, मैं यहीं पर लिखता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पर लिखा डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट, और मैं यहाँ पर टेक्स्ट कंटेंट लिखूँ, देखो रेपलेट जो है काफ़ी चालू है क्योंकि ऑटोमेटिकली इसने जो है मुझे कंप्लीट करके दे दिया। तो देखो टेक्स्ट कंटेंट से क्या हुआ, इसके अंदर का सिर्फ टेक्स्ट आ गया, समझ रहे हो। आपको बिल्कुल भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, एज अ टेक्स्ट आप पूरे पेज को कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो कभी भी किसी भी वेबसाइट पर जाते हो, आपको वो वेबसाइट एज अ टेक्स्ट कॉपी करनी है, तो आप क्या करो ये लिख सकते हो, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग ये, और आपको मिल जाएगी कंसोल में, ठीक है। तो आई होप कि क्लियर हो गया सबको ये चीज़। एंड एट द सेम टाइम मैं आप लोगों को मैंने क्या बताया था आपको, हाँ डॉट डेटा, आप कुछ इस तरह का काम भी कर सकते हैं। ये भी मैं ज़रा यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है, बढ़िया यार। हिडन प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। अगर आपने किसी भी एलिमेंट के एट्रीब्यूट को हिडन कर दिया, या फिर आपने कुछ इस तरह से भी अगर हिडन लगा दिया ना, मैं आपको दिखाता हूँ यार, जूम इन कर लूँ मैं, ये क्या चल रहा है, हाँ ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर हिडन लगा दिया ना एट्रीब्यूट कुछ इस तरह से, तो ये हे आई एम स्पैन आप लोग को नहीं दिखना अब, ठीक है, नहीं दिखेगा आपको, देखो चला गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसमें जो हिडन लगा हुआ है
मैं अगर कुछ इस तरह से कर दूं, मैं अगर लिख दूं $0.hidden = false, जैसे मैं इसको रन करूंगा, देखो ये दिखने लग गया अभी, ठीक है। तो इस तरह के काम किए जा सकते हैं। अभी हाई बोल्ड क्यों दिख रहा है यार, मैं ये देखना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, मैंने लगाया हुआ है एक्चुअल में बोल्ड हाई, तो इसलिए दिख रहा है, ठीक है। आई होप कि मज़ा आ रहा है आप लोगों को और समझ में आ रही है सारी चीज़ें, ठीक है। तो मैं जो जो जावास्क्रिप्ट लिखूंगा यहाँ पर, वो मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। और मैं ये ना इसको $0 नहीं करूँगा, मैं फर्स्ट डॉट हिडन इज इक्वल टू फॉल्स करूँगा, ठीक है। फॉल्स सॉरी फर्स्ट नाम की आईडी लगी हुई है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको लिख दूंगा। और मैं पता है क्यों इसको इस तरह से कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ कमेंट आउट, ताकि आप लोग को बस सिंपली मैं चाहता हूँ मिल जाए जो भी जावास्क्रिप्ट मैं लिख रहा हूँ, इसलिए मैं कुछ इस तरह से कर रहा हूँ। और ये जो हिडन है ये एट्रीब्यूट मैं लगा रहने देता हूँ, ठीक है। यार मैंने क्या प्रेस कर दिया है, पता नहीं क्या प्रेस किया मैंने, मेरी रेपलिटी बंद हो गई। ये क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है यार आज सच्ची में। कोई बात नहीं, दैट वॉज ऑल अबाउट द वीडियो बाय द वे, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने नोट्स में बहुत बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, और नोट्स को डाउनलोड करें ज़रूर से, ठीक है। और प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, या क्लिक करके बुकमार्क करें, या क्लिक करके सेव करें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।